बेअदबी मामले में अभियुक्त प्रदीप कलेर को गिरफ्तार किया जा चुका है। 164 के बयान देने के बाद प्रदीप कलेर सुर्खियों में है, क्योंकि उस बयानों के बाद राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अब खुद प्रदीप कलेर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर एक पिटीशन दाखिल की है, नोटिस हो चुका है। हमारे साथ उनके वकील प्रथम सेठी मौजूद हैं। प्रथम जी, प्रदीप कलेर ने जब से 164 का बयान दिया, राम रहीम के खिलाफ उन्होंने कहा कि साजिश बेअदबी की राम रहीम ने रची थी, सुर्खियों में है, लेकिन अब बुड़ैल जेल में बंद है प्रदीप कलेर और अपनी पिटीशन डाली है, किससे खतरा बताया, क्या हुआ कोर्ट में? बेसिकली ना उनको एप्रिहेंशन है, बिकॉज एक इसमें को एक्यूज थे पहले महिंदर पाल बिट्टू, जो एक 45 इनकी मेंबर कमेटी थी डेरे की ना, उसके मेंबर थे। तो उनको 2019 में नाभा जेल में मर्डर कर दिया था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने, और कुछ एक्यूज उससे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ केसेस, जो ये बेअदबी केसेस हैं, इनको चंडीगढ़ में लाने के लिए। उन्होंने इंस्टांस दिए थे ऐसे केसेस की जहां पर या तो डेरा वाले प्रेमी या उनके रिलेटिव्स या एक्यूज्ड उनको मर्डर कर दिया था अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। तो उसको ये अप्रिहेंशन है कि जब उसका अभी स्टे है जेल के अंदर, तो उसको कोई एलिमिनेट ना कर दे। इस करके आज हमने रिट डाली थी, आज लिस्ट हुई थी और उसमें नोटिस ऑफ मोशन हुआ है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, और उनको कहा गया है कि आप स्टेटस रिपोर्ट इस पे सबमिट करो। जब से प्रदीप कलेर, क्योंकि बुड़ैल जेल में है, चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल, जो आपने कहा कि खतरा है कि केसेस का हवाला दिया, क्या खतरा, क्योंकि देखिए अंडर ट्रायल कैदी वहां पे हैं, सभी तरह के जो एनिमेट्स वहां पे होते हैं, तो आपको क्या उस पिटीशन में कोई स्पेसिफिक आपने बताया कि किससे खतरा है? नहीं, हमने स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लिया। हमारी एप्रिहेंशन सिर्फ हमारी एक 164 की स्टेटमेंट है, जो अब जो डेरे के बंदे उनको इम्प्लीकेट करेगी या कर सकती है, और प्रीवियस इंस्टांसिस का मेंशन करा है, इस करके वो हाईकोर्ट आए हैं। तो नोटिस उसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टी जो थी उनको हुए? हाँ जी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को ही पार्टी बनाया था हमने बेसिकली, उनको अब स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर करा है। एक इसमें और सवाल है कि प्रदीप कलेर की जो वाइफ और उनकी डॉटर हाँ है, उन्होंने भी पिटीशन डाली थी, डिस्पोज ऑफ हुई थी। हाँ जी, अब क्या स्टेटस उसका? उन्होंने भी पिटीशन डाली थी बिकॉज वो पहले डेरे में रह रहे थे, तो उनको खतरा था कि अब, क्योंकि सिंस प्रदीप कलेर ने 164 की स्टेटमेंट दी है, तो उनको खतरा था कि डेरे में उनको कोई जान मान का खतरा ना हो जाए, इसलिए उनकी और उनकी बेटी ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी। उसमें स्टेटस रिपोर्ट कॉल हुई थी स्टेट ऑफ हरियाणा से, तो उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी देके इस करके वो डिस्पोज ऑफ होगी पिटीशन। अब वो डेरे से बाहर है, अब वो कहीं और रह रहे हैं। लास्ट सवाल, जो कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से मांगी है, उसकी नेक्स्ट डेट क्या है? आई बिलीव उसकी नेक्स्ट डेट है 20th of March। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो ये थे प्रथम सेठी एडवोकेट प्रदीप कलेर के। प्रदीप कलेर बुड़ैल जेल में हैं, अपनी जान माल की सुरक्षा को खतरा बताते हुए चंडीगढ़ बुड़ैल जेल से एक पटिशन दाखिल की है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, और इस पर हाईकोर्ट ने अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कह दिया है। प्रदीप कलेर सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि प्रदीप कलेर बेअदबी मामले में अभियुक्त था, जब पकड़ा गया उसके बाद 164 के बयानों में प्रदीप कलेर ने राम रहीम का नाम लिया कि बेअदबी की साजिश राम रहीम द्वारा रची गई थी, उसके बाद से सुर्खियों में, और अब अपनी जान को खतरा बताकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।